यहाँ पे मैंने लिया है एक मुट्ठी के करीब धनिया की पत्ती धुली और साफ की हुई, 4-5 हरी मिर्च और 5-6 जवा लहसुन। इन सबको हम दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। इसे पीसने के बाद हम इसे एक साइड रखेंगे। यहाँ पे फिर 3 उबले हुए आलू हम इसे कद्दूकस में घिस कर तैयार कर लेंगे। 3 मीडियम साइज के आलू हैं। और उसके बाद हम ये जो हरा मसाला दरदरा पीस कर रखा हुआ है इसे हम इसमें डाल लेंगे। इस घिसे हुए आलुओं में डाल कर इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक साइड में रख देंगे इन आलुओं को। यहाँ पे अब हम ले लेंगे 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब सोया मेथी। ये सोया और मेथी का साग है जो धोकर साफ किया हुआ है। और इसके बाद इसमें हम ले लेंगे 1 टुकड़ा अदरक, 3 हरी मिर्च और 5 से 6 जवा लहसुन। इसे भी हमें दरदरा पीस लेना है। ये देखिए दरदरा पीस कर ये तैयार है। अब हम यहाँ पे आटा ले लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन हाथों से रगड़ कर डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम ये जो दरदरा सोया मेथी पीस कर रखे हुए थे ये इसमें डाल देंगे। यहाँ पे ये पीसा दरदरा पीसा हुआ सोया मेथी डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड डालें या घी डालें, जो भी डालें। इसे हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद जिस मिक्सर जार में हम ये साग को पीसे थे इसी में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी हम इसी में डाल देंगे। और इसमें डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम एक नरम मुलायम सा आटा का डो लगा लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे मुलायम आटा हमें लगाना है। यहाँ पे आटा लगा कर हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 5 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ आटा हमारा गूंद कर इस तरह से तैयार है। अब हम यहाँ पे एक लोई ले लेंगे। 5 मिनट रेस्ट के लिए रखने के बाद एक हम लोई ले लेंगे और इसे हम गोल करके पेड़े का शेप दे लेंगे। इसके बाद इसका हम एक छोटी सी कटोरी की तरह इस आटे को बना लेंगे और इसमें हम जो आलू की स्टफिंग बना कर रखे थे वो इसमें भर लेंगे। इसे हमें अच्छे से इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए आलू को अंदर आटे में भर लेना है। और इसके बाद हम इसे एक गोल पेड़े का शेप दे लेंगे। और इसके बाद हम इसका एक पराठा तैयार करेंगे। यहाँ पे इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से सूखा आटा लगा कर बढ़ा लेंगे। और इसे थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हम सूखा आटा फिर से लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से हम बेलेंगे। यहाँ पे इसे बेलने के बाद हम तवा गर्म कर लेंगे इधर, और इस तवे पर ये पराठा डाल देंगे। ये पराठा हम एक तरफ से थोड़ा सा पक जाए तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इसी बीच हम दूसरा पराठा भी तैयार करते रहेंगे साथ में। यहाँ पे हम पराठा पलट कर फिर इस पे ऊपर से घी या तेल लगा लेंगे।
तेल लगाने के बाद अब इसे हम फिर पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी तेल लगा लेंगे। हमें ये इस पराठे को क्रिस्पी बना लेना है, तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए। इसे हम एक कलछी की सहायता से धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करके अच्छे से सेंक लेंगे। यहाँ पे इसी तरह से हम सारे पराठों को सेक लेंगे। यहाँ पराठा हमारा सारा तैयार है, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए अंदर कितना अच्छा से इसमें आलू भरा हुआ है। आप इससे चाय के साथ या दही के साथ सर्व करें, बहुत